यस भी हम कर रहे थे मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर भी यही था ना। अब लिखते हैं फॉर वर्चुअल इमेज भी। सेकंड पॉइंट डालिएगा, सेकंड पॉइंट है फॉर वर्चुअल इमेज। रियल के लिए हो गया था बातें नहीं। सेकंड है फॉर वर्चुअल इमेज भी। अगर आप वर्चुअल इमेज बनाते हो तो एक ही केस है भी उसका। कौन सा केस है? जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पी और एफ के बीच में रखा जाए ऑब्जेक्ट्स को भी। इट इज ए बी एनी ऑब्जेक्ट, एक बीम गई है, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस पॉइंट भी। सेकेंड बीम पास ट्राई कीजिए पोल के साथ और उसी एंगल बढ़ जाएगी भी, ठीक है। तो क्या किया था हम लोगों ने, इसको पीछे किया था रेज को ऐसे, इसको भी ऐसे ही, और ये इस पॉइंट पे मिल रहे थे भी। इट इज ए डैश, इट इज बी डैश भी। ये पॉइंट ए था ना, ये पॉइंट एम लिया था हम लोगों ने, एम हो गया। देखिए तरीका क्या था कि जो पॉइंट आप यूज़ कर रहे हो उन्हीं पॉइंट के हिसाब से ट्रायंगल बना लीजिएगा अभी। एक तो पॉइंट में पी यूज कर रहा हूँ, एक पॉइंट में एफ यूज कर रहा हूँ अभी। तो पहले पी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स कौन कौन सी हैं अभी? इन द ट्रायंगल्स ए बी पी एंड ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश पी, सही है? जिसको लास्ट टाइम समझ में नहीं आया देख लीजिएगा अभी। ए बी पी दिस ट्रायंगल भाई, और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ध्यान से देखिए, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 का भाई कर लोगे। ये एंगल आई है तो ये आर होगा, और दोनों बराबर हैं तो ये भी आर होगा, तो ये बराबर होना चाहिए। यस आर नो? तो कौन सी ट्रायंगल्स हैं? ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं भाई। प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या बोलोगे? ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी by PB dash B. This is the first equation. Perpendicular ratio, perpendicular के साथ base का ratio base के साथ भी बराबर होते हैं, कर लोगे। Second जो triangles use करेंगे वो F के हिसाब से कर लीजिएगा भाई। F के according कौन कौन सी triangle बन रही हैं अभी? In the triangles MPF and triangles A dash B dash F. देखिए अभी क्लास एम पी कौन सा था, एम पी एफ दिस ट्रायंगल भाई, और ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ दिस ट्रायंगल्स, कर लोगे। ये 90 है भाई यहाँ पे, तो ये भी 90 होना चाहिए, हो गया। और ये एंगल दोनों में कॉमन है, चेक करो, ये ट्रायंगल्स ये एंगल दोनों में कॉमन है अभी, तो सेम होगा, सही है कि नहीं है बता दो। किसको समझ नहीं आ रहा अभी? कितना आएगा? एम पी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या लिखें? पी एफ, पी एफ बाई बी डैश एफ, ठीक है। और देखो भाई एम पी जो है ये रहा, ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू ए बी, तो ले सकते हैं एम पी इज इक्वल टू ए बी। तो मैं ले सकता हूँ ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ बाई बी डैश एफ बी। इक्वेशन सेकेंड सर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इक्वेशन बराबर सेम बन रही है इक्वेशंस, वही इक्वेशन उसमें बनी थी पहले वाले में, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों की लेफ्ट साइड बराबर हैं तो राइट भी बराबर होनी चाहिए, रब कर दें भाई। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड ए सेकंड, तो क्या लिखोगे? पी बी बाई किसको खसी उठ रहे भाई? पी बी डैश इज इक्वल टू पी एफ बाई बी डैश एफ बी। खांसी किसको उठ रही है? तुम पानी पियो, फिर तो इसमें देखिए भाई पी बी जो है वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। पी बी डैश क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज है।
पी एफ क्या है, फोकल लेंथ है, बी डैश एफ पता नहीं क्या है, अभी बी डैश एफ इसे कोई मेरे पास सिंबल नहीं है अभी, लेकिन मैं पी डैश बी डैश एफ को कुछ लिख सकता हूँ अभी, ये बी डैश एफ पूरी है अभी यहाँ से यहाँ तक की, तो इसको लिख सकते हैं पी एफ प्लस पी बी डैश बी, पी एफ प्लस पी बी डैश, समझ में आ रहा है yes, क्योंकि हमको जो सिंपल पता उसके अकॉर्डिंग सारा काम करना पड़ेगा हमको अभी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे इसको, पी बी बाई पी बी डैश इज इक्वल टू पी एफ बाई पी एफ प्लस पी बी डैश भी, सही है yes, अब सब कुछ हमको पता है बाई यूजिंग साइन कन्वेंशंस, क्या बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बी, ये डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट होती है, यू लिखते हैं इसको, तो प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, इस तरफ आएगा माइनस का भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बी डैश, डिस्टेंस ऑफ द इमेज है भी, इसको वी से लिखते हैं, प्लस की माइनस भी, प्लस भी कर लोगे इस तरफ अभी, दूसरा पी एफ, पी एफ फोकल लेंथ है एफ का भी, प्लस की लिखूं कि माइनस लिखूंगी, माइनस लिखे क्यों भाई, इस तरफ है तो इट इज माइनस भी कर लोगे, पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशंस भी, पी बी डैश पी बी सॉरी पी बी कितना है माइनस यू भी, प्लस भी इज इक्वल टू माइनस एफ बाई माइनस एफ प्लस भी, सही है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है, डायग्राम मूव कर दें, इसकी गुणा इसके साथ कंप्लीट, तो यू एफ हो गया प्लस का भी माइनस यू वी इज इक्वल टू वी माइनस वी एफ वी, सही है, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय यू वी एफ वी, डिवाइडिंग बाय यू वी एफ, फोर ई का डिवाइड कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कर लोगे डिवाइडिंग बाय यू वी एफ, तो यू एफ डिवाइड बाय यू वी एफ माइनस यू वी डिवाइड बाय यू वी एफ माइनस वी एफ डिवाइड बाई यू वी एफ, सही है, तो ये हो गया वन बाई वी माइनस वन बाई एफ इज इक्वल टू माइनस वन बाई यू, इसको ऐसे इसको ऐसे भी वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू, क्या होगा सेम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नेक्स्ट है मिरर फार्मूला फोर, फोर कॉन्वेक्स मिरर भी, कॉन्वेक्स मिरर इसमें दो केस बनते होंगे शायद, रियल और वर्चुअल का है ना भी, हाँ बढ़ रहे हैं, एक ही केस है भाई वर्चुअल का भी, ठीक है तो कैसे बनेगी इमेज कॉन्वेक्स में भी, ये कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर मिरर पहचानने आ गए होंगे yes. तो जैसा अभी इसको पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है अभी, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है अभी, यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट मैंने भी, ऑब्जेक्ट ए बी, एक बीम गई ऐसे भी, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रूल के हिसाब से डाइवर्ज तो करेगा, बट इट अपीयर टू पास थ्रो फोकस भी, ठीक है अपीयर टू को डॉट से दिखाइएगा अभी, ओके दूसरा पॉइंट पी पे स्ट्राइक करवाओ, अब ऐसे भी इस लाइन को पीछे में लाइएगा रिफ्लेक्ट बीम को, तो यहाँ पे अपीयर होगा मीट करता हुआ, तो यहाँ पे क्या बनेगा ए डैश, नीचे क्या बनेगा बी डैश भी, सही है, इस पॉइंट को मैंने क्या लिया था, एम लिया था ना अभी, एम बी, यहाँ पे देखिए अभी क्लास वही ट्रायंगल्स यूज करेंगे जो पॉइंट अपने यूज किए हैं, सेम प्रोसेस अभी सभी टॉपिक्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, इन द ट्रायंगल्स पहले पी पॉइंट वाली भी ए बी पी एंड ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश पी, देखो भाई क्लास ये 90 डिग्री है, कौन सी ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ ए बी पी, ये वाली पी है ना, ए डैश बी डैश पी ये वाली 90 है, ये भी 90 है, ये आई है ये आर है, आई आर बराबर होंगे, ये आर का अपोजिट है ये भी बराबर होंगे, पानी पियाओ जाओ, तो इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स यूज कर रहे हैं, तो साइड रेशियो लिखो जल्दी जल्दी से,
स्पीडली करो इस टॉपिक को भाई। ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी बाई पी बी डैश, या तो हो जानी चाहिए आपको ये इक्वेशन से बराबर है, इसमें भी सेम आएंगे पॉइंट भी सेम यूज कर रहे हैं हम लोग, सारे ट्रायंगल सेम यूज कर रहे हैं सारे, कर लोगे। सेकंड ट्रायंगल्स है भाई, इन द ट्रायंगल्स एम पी एफ एंड ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश एफ, क्या ट्रायंगल है कि नहीं वैसे लिख रहे हैं हम लोग, एम पी एफ ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ ये एफ तो कॉमन ही है दोनों में, तो सेम होगा, और ये 90 डिग्री के हैं भाई, ये भी सेम होंगे, यस और नो। तो क्या होगा एम पी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ पी एफ बाई बी डैश एफ, और एम पी जो है वो ए बी के ए बी के बराबर है भाई, तो एम पी बराबर है ए बी, तो क्या होगा ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ बाई पी डैश एफ, सॉरी बी डैश एफ, इक्वेशन सेकेंड वे नहीं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वे, दोनों के लेफ्ट बराबर अभी फर्स्ट एंड ए सेकेंड, तो क्या लिखोगे पी बी बाई पी बी डैश इज इक्वल टू पी एफ बाई, क्या लिखें भाई बी डैश एफ था भाई। अब आपको पता है कि बी डैश एफ कुछ नहीं है अभी यहाँ पे, कोई सिंपल हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं है अभी, तो कैसे बनाओगे इसको पी बी डैश पी डैश एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई पी सी पी एफ सॉरी पी एफ पी एफ माइनस पी बी डैश भी क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा भाई, मेरे को ये निकालना अभी इस पूरे में से ये माइनस कर दिया मैंने, ये बच गया अभी, कर लोगे तो पी बी बाई पी बी डैश भी, ये तो सिलेबस में होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो भाई, नहीं है पी एफ पी बी डैश, क्या करते रहा करो अभी वट इज पी बी माइनस यू पी बी डैश प्लस वी पी एफ प्लस एफ, कैसे लिखा है ये इस तरफ है माइनस का, ये इस तरफ है प्लस का, ये इस तरफ है प्लस का भी, कर लोगे पुटिंग द वैल्यूज भी by plus v is equal to plus f minus v, सही लिखा है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया माइनस यू एफ प्लस यू वी प्लस वी एफ, सही है बता दो डिवाइडिंग बाई यू वी एफ यू एफ बाई यू वी एफ प्लस यू वी डिवाइड बाई यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ डिवाइड बाई यू वी एफ, यहाँ पे बच गया माइनस वन बाई वी, सही है प्लस वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई यू, तो वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू, कौन सा भी मिरर हो मेरे फॉर्मूला सेम रहेगा अभी, कर लोगे तो टॉपिक का नाम लिखिए नेक्स्ट टॉपिक भी लीनियर मैग्निफिकेशन भी, सिंपल इसको मैग्निफिकेशन ही बोलते हैं, एम से लिखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन भी, बातें नहीं करनी। अब क्लास से होता है क्या अभी देखिए, जो इमेज बन रही है अभी इमेजेस बन रही हैं वो छोटी हैं बड़ी हैं बराबर भी हैं कई पॉइंटों पे आके, तो ये रेशो है भाई हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कर लोगे तो सिंपल लिखिए इट इज द रेशो ऑफ इट इज द रेशो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू इट इज द रेशो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी साइज ऑफ द इमेज टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट M लिखा जाता है साइज ऑफ इमेज, और याद रखिए वो अभी इमेज का साइज के लिए सिंबल बना रखा है उन्होंने H2 भी, ये हर बार ये यूज होगा अभी ठीक है, डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी इसके लिए लिखा हुआ H1 भी,
ये जो सिंबल है एग्जैक्ट सिंबल यूज कर रहे हैं हम लोग भी। हाइट बोल लो, हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। अब इसमें एक फॉर्मूला और भी इंक्लूड होता है, अभी इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, क्योंकि उसी से एस टू निकलते हैं मोस्टली देखे इसके अंदर भी, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पॉइंट से भी। ठीक है, अब देखो भाई, अब इन्होंने हमने तीन फॉर्मूले तीन टाइप से प्रूव किए हैं चीज़ों को भी। पहला पॉइंट डालते हैं, मैग्निफिकेशन करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, पता देखते हैं क्या आंसर आएगा। पहला पॉइंट फोर कॉनकेव मिरर भी, अब कॉनकेव मिरर में दो इमेज बनी थी भी, रियल भी वर्चुअल भी, इसका पहला पॉइंट है अभी फोर रियल इमेज भी, रियल इमेज। अब पेज पर डालो अपने, रियल इमेज पर चले जाओ जहाँ पे हमने मेरे फॉर्मूला किया था भाई, उसका फर्स्ट इक्वेशन क्या थी क्लास, फ्रॉम फर्स्ट वी, फर्स्ट ही ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी बाई पी बी डैश बी, पी एफ कहाँ थी फर्स्ट इक्वेशन में, कुछ भी। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन क्लास, चेक करो डायग्राम, डायग्राम सामने होना चाहिए आपके, मेरे तो याद है डायग्राम। अब उस डायग्राम में चेक कीजिए व्हाट इज ए बी भाई, डायग्राम में चेक करो व्हाट इज ए बी, ए बी हाइट है भाई ऑब्जेक्ट की भी, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज, हमें उल्टा चाहिए भाई, उसको उल्टा करते हैं इक्वेशन को भाई, क्या बनाएं, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश बाई पी बी, सही है। ये हो गया हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज मैग्निफिकेशन भी, यही तो है मैं, यस सर नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उस फार्मूले उस डायग्राम के हिसाब से भी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डैश बी डैश बी, डायग्राम सामने होना चाहिए क्लास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डैश बी डैश बी, इमेज की हाइट क्या लेते हैं, एस टू, सही है, एस लेते हैं ना, प्लस की माइनस वी, माइनस आएगी वाई, पी के साथ तरफ है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, एक रूल था भाई, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव, तो कहीं पे भी हो जाए, कर लोगे तो एस टू की वैल्यू नेगेटिव आई। ए बी क्या है चेक करो भाई, ये एच वन अभी ये प्लस की है, आप बोलोगे माइनस की होनी चाहिए क्योंकि पी की तरफ है, हम मापना ही नहीं है, हम तो ऊपर नीचे माप रहे हैं भाई, हम ये नहीं माप रहे भाई, हम ऐसे माप रहे हैं, कर लोगे तो कहीं पे भी हो प्लस माइनस दिखाएगा अपने आपको भी, हो जाएगा उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बी डैश बी, माइनस बी है भी हाइट ऑफ द इमेज, सॉरी डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज भी, वट इज बी बी माइनस यू, सही है कि नहीं है, इसको काट दो क्या आंसर बचेगा भाई, एच टू बाई एच वन क्या ले सकता हूँ माइनस वी बाई यू, क्या माइनस आएगा, माइनस यहाँ पे ले गया, क्या दिक्कत है, सही है कि नहीं है, ये प्लस किया, ये तो प्लस कट गया माइनस का, इसका तीन माइनस हो गया यहाँ पे कट्टी, दो तो कट गई एक बच गई, इस तरह बढ़ जाता हूँ, फार्मूला क्या बन गया, एच टू बाई एच वन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, दिस इज द फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, हो जाएगा। ये तो रियल इमेज के लिए हो गया भाई, अब सेकेंड पॉइंट डालिए इसका बी पॉइंट भी, फोर वर्चुअल इमेज भी, फोर वर्चुअल इमेज रब कर दूं भी इसको भी, यही होगी ए बी बाई ए डैश बी डैश जो भी है, ये सर नो उसकी भी यही है, उल्टा करना पड़ेगा भाई, तो क्या लिखिए, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश बाई पी बी, कहीं ने तो सेम लिख दिया होगा है ना, ये एम है भाई, यस आर नो, डायग्राम चेक करो भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डैश बी डैश बी, हाइट ऑफ इमेज डायग्राम के अकॉर्डिंग प्लस की माइनस भी, प्लस एच टू भी, व्हाट इज ए बी प्लस एच वन, सही है बाय यूजिंग साइन कन्वेंशंस, पी बी डैश प्लस वी
माइनस वी माइनस यू, फर्क पड़ रहा है भाई क्वेश्चन में, फर्क दिख रहा है आपको कि ये जब आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा मे वी हैव ए कॉनकेव मिरर एंड के वर्चुअल इमेज भी, उसी टाइम एस टू की वैल्यू पॉजिटिव हो चुकी है अभी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर पूछेगा उससे निकालो उससे निकालो, आंसर तो सेम आना है, अभी भी आंसर क्या आएगा? एच टू बाई एच वन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, लेकिन जो आप लिखो ना गिवन क्या है उसी टाइम गलती कर लोगे, यहाँ पे गिवन में एच वन एच टू की वैल्यू प्लस की माइनस वी, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चंस में लिखते हुए जब गिवन लिखा था गिवन ये है भाई हमको, उसी टाइम गलती हो जाएगी यहाँ से आपकी, अगर वो कोशिश करोगे पैरल वाला कॉपी मारने की कर लोगे। ये हो गया किसके लिए? कॉनकेव के लिए। अब लिखिए फॉर कॉन्वेक्स मिरर भी, फॉर कॉन्वेक्स मिरर भी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं भाई, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश बाई पी बी, उल्टा करो कितना आएगा? ए बी ए बी, ये उल्टा ही कर दिया मैंने, ये लिखते हैं डायरेक्ट भी, डायरेक्ट ये लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार करने की जरूरत नहीं है आपको। अब क्वेश्चन आ जाए डिफाइन मैग्निफिकेशंस भी, तो सारे करने की जरूरत नहीं है भाई, कोई एक कर दो तब भी तीन मिल जाएंगे आपको नंबर, कर लोगे? तो ये एम है भाई डायग्राम के हिसाब से भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डैश बी डैश बी, प्लस एच टू अभी प्लस एच वन इज इक्वल टू पी बी डैश प्लस वी माइनस यू, तो एम का वैल्यू भी एच टू बाई एच वन इज इक्वल टू वी बाई यू माइनस का, ठीक है सही है, उठाना भाई बोलते इसको v by u माइनस, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर भी, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, वीडियो चल रही है भाई? तो आपको स्पीड निकालना भी क्वेश्चन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आजकल ये नया पैटर्न बदल रहे हैं भाई बोर्ड वाले, उनमें भी अपने आप डाल देते हैं क्वेश्चन कुछ ना कुछ करके भी, सिलेबस कहीं से नहीं है अभी ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं भाई यहाँ से। देखिए अभी क्लास कैसे करना है, आपको स्पीड निकालना है अभी, फार्मूला क्या था मिरर फार्मूला? कोई भी मिरर यूज कर लो आप, कॉनकेव कॉन्वेक्स रियल वर्चुअल के लिए, ये क्या आंसर था अभी? वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू, यही था ठीक है अभी? लिखिए डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए अभी, देखो ये f है v है u है डिस्टेंसेज हैं भी, यस और नो? कोई इमेज से है कोई ऑब्जेक्ट से है कोई फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ जो है वो किसी मिरर की कांस्टेंट होती है हमेशा, फिक्स होती है ठीक है, जो आप मिरर यूज करें उसका फिक्स रहेगा भी, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करूँगा कितना आंसर रहेगा भी? जीरो, ये तो जीरो हो गया ओके। इसका करो भाई डी बाई डी टी, इमेज पता नहीं कहाँ बनेगी मेरे को पता नहीं है भाई, ऑब्जेक्ट कहाँ रखूँ मेरे को पता नहीं है, डी वाई डी टी दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, सही है कि नहीं है? ये जीरो समझ में आया? फोकल लेंथ कांस्टेंट भाई, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बनेगा? जीरो। इसका डेरिवेटिव कर सकते हो भाई क्लास, इसको ऊपर ले जाओ माइनस वन पावर बनेगा भाई, माइनस आगे उसमें एक कम किया गया माइनस वी, सही लिखा मैंने, और वी का डी वी बाई डी टी, अरे डेबिट करना आता है नहीं आता तुम लोगों को, प्लस इसका भी माइनस हो जाएगा v2 माइनस का डी यू बाई डी टी, सॉरी u आएगा u डी यू बाई डी टी इक्वल टू जीरो कर सकता हूँ, जीरो भाई सही है यस और नो? इसको उस तरफ ले जाओ भाई, एक को प्लस कर दीजिएगा, रब कर दे इसको भाई, इसको ऐसे लिख रहा हूँ देखिए, वन बाई यू स्क्वेयर डी यू बाई डी टी, या वी को ले लेते हैं चलो,
कैसे लिखेंगे, 1 बाई वी स्क्वेयर डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के 1 बाई यू स्क्वेयर डी यू बाई डी टी। क्या मैंने सही लिखा? Yes, एक क्वेश्चन ले गया, प्लस का हो गया भाई, सही लिखा है मैंने? Yes, इसको उस तरफ ले गया प्लस का भी है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्या? आ रहा है ये चीज क्या भाई? एक्सेलेरेशन है नहीं ये? कुछ भी बोल लो है ना, कुछ भी, कुछ भी है ना। V is a distance, not velocity. D, V is the distance of the image. का डेरिवेटिव करो कोई, वेलोसिटी ऑफ इमेज बन जाएगा भी। यस और नो? तो मैं लिख देता हूँ, तुम लोग फिर गलती करोगे। V, V ले लेते हो चलो, डी वी बाई डी टी वी, ये है इमेज है ना, आई ले लूँ आई, इट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज भी, वेलोसिटी ऑफ इमेज। और वी ओ क्या है? डी यू बाई डी टी, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। टॉपिक कुछ नहीं है भाई, लेकिन कई एग्जाम में कई क्वेश्चन घुसा दे बिना बात की भी, तो करने लायक हो जाओ थोड़ा सा इसको भी, हो जाएगा भी। तो ये क्या बनेगा? ये वी आई इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर इंटू वी ओ, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द इमेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या सही लिखा? आपसे एक क्वेश्चन बोला जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है ठीक है, वो चल रहा है विद दिस स्पीड भी, ओके। फिर क्वेश्चन करेगा, जब ऑब्जेक्ट मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर हो, चलता हो 10 सेंटीमीटर दूर, उस टाइम इमेज का वेलोसिटी कितना होगा? अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? द इरेक्ट इमेज, क्वेश्चन लिखिए, द इरेक्ट इमेज 3 टाइम, द इरेक्ट इमेज 3 टाइम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, 3 टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेंड विद, इज ऑब्टेंड विद कॉनकेव मिरर, ऑब्टेंड विद कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या क्वेश्चन गिवन है भाई, क्लास दोबारा देखिएगा। ए इरेक्ट इमेज, कौन सा मिरर यूज किया पहले देखिएगा, कॉनकेव मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर है, इरेक्ट इमेज है भाई। इरेक्ट इमेज कौन सी बनती है? वर्चुअली बनती है। और इरेक्ट इमेज के अंदर एम का वैल्यू कितना होता है? पॉजिटिव होता है। यस और नो? पता ही नहीं। यस और नो? तो एम का वैल्यू गिवन अभी क्लास कितना है? 3। प्लस का कि माइनस का? प्लस का। उसके बाद इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा अभी आर, आर प्लस का होगा कि माइनस का होगा? 36 सेंटीमीटर है अभी, इस तरफ होगा माइनस का भी, तो फोकल लेंथ कितना होगा अभी? 18 सेंटीमीटर, आर बाई टू। यस और नो? ठीक है, तो इससे आपको बताना है कहाँ बनेगी, ये बताना है क्या? पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी निकालना। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि आपको यू दे, यू निकालना कि वी निकालना है? यू निकालना भाई। ठीक है, एम का वैल्यू क्या होता भाई? एच टू बाई एच वन माइनस वी बाई यू, यही होता है माइनस वी बाई यू। प्रॉब्लम क्या है, एम तो दे दिया, ना एच वन एच टू है ना वी यू है भाई। ठीक है, यू तो निकालना ही है, आपको वी भी नहीं गिवन। यस आर नो? तो हमारी मेन इक्वेशन से वी को काट दो तो यू बच जाएगा सारा। उसका मेन इक्वेशन कौन सी है? 1 by f = 1 by v + 1 by u। उस इक्वेशन से अगर मैं वी को कैंसिल कर दूं तो मेरा आंसर पूरा हो जाएगा भाई। यस आर नो? मैं मान लेता हूँ, लेट वी कितना है भाई,
एक्स मान लो, वी कितना है एक्स, तो यू कितना होगा भाई, यू इज इक्वल टू यहाँ से भी, एम कितना है भाई थ्री, तो यू कितना होगा यहाँ पे ले जाए माइनस एक्स बाई थ्री, एक्स हो गया यू थ्री, यू इज इक्वल टू एक्स बाई थ्री, समझ में आया कि नहीं आया, तो यू भी हो गया आपको वी निकालना कि यू निकालना, यू तो उल्टा मान लेते हैं, तो इसे करके देख लेते हैं कितना आंसर आएगा, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू, इसे भी निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, गुणा भाग तो करना पड़ेगा फालतू, वन बाई एफ कितना है भाई माइनस अठारह, वन बाई एटीन, वन बाई वी, वी कितना है एक्स प्लस का कि माइनस, इस तरह बनता है याद है सीधी इस तरह बनती है, तो x कितना प्लस का भाई, इसको प्लस का लिखो यहाँ पे, सही है तो कितना आएगा प्लस का वन बाई एक्स भी, प्लस u कितना है भाई तो माइनस है, माइनस थ्री बाई एक्स हो गया, x बाई थ्री लिखोगे या सर नो, इतना हो गया, अरब कर दें इसको भाई पक्का है सॉल्व करने के बाद, एक्स वैल्यू कितनी आएगी 36, ओके भाई लेकिन एक्स तो वी था भाई, हमको यू निकालना है, देखो एक तो तरीका है जिसको निकालना उसी को मान लो भाई, प्रॉब्लम नहीं है उसे और ही जाएगा, हमने उल्टा किया थोड़ा सा उससे भी निकलेगा आंसर, तो एक हमने वहाँ पर लिखा था थ्री इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू याद है, तो वी कितना भाई 36 बाई यू, तो यू कितना अभी माइनस 36 बाई थ्री कितना हुआ, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे जिसको निकालना उसी को एक्स मान लो उसे और ही जाएगा, हमने पहले वी निकाला फिर यू निकाला कोई दिक्कत नहीं कर लोगे, लिखिए भाई बातें नहीं, ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इफ हो गया इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट 4 सेंटीमीटर इमेज इज फॉर्म्ड एट 4 सेंटीमीटर टू राइट ऑफ द मिरर कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ ओके आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन इसी में है इज द मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स ओके फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन और भी है What is the nature of the image? एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है What is the radius of curvature of the mirror? ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया 2012 में भी कुछ नहीं है करने के लिए पहले क्वेश्चन पूछ रखा भाई ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर क्वेश्चन पढ़ गया कुछ आइडिया मिल रहा है आपको कौन सा मिरर यूज करें हम लोग यस भाई एक तो आपको आइडिया होना चाहिए अभी दूसरा प्रूव भी करना है कि जो आपका आइडिया हो सही है अभी कॉन्वेक्स है इमेज इज फॉर्म्ड एट द राइट ऑफ द मिरर दोनों में बनती राइट में भी बनती तो है ना पता नहीं कौन सा केस हो यस आर नो स्टेटमेंट पढ़ के कुछ पता नहीं चलेगा भाई अभी पर्यंत कोई पता नहीं चल रहा मेरे को कहाँ कुछ हो रहा है अभी कौन के हुआ कि कौन वैक्स है क्योंकि दोनों में राइट में बनती हैं भाई उसमें भी बनती हैं कि देखो भाई अगर राइट में इमेज है तो प्लस का होगा कि माइनस का होगा प्लस तो आपको वी दे रखा सीधी सी बात वी कितना भाई 4 सेंटीमीटर प्लस का भाई और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखते हैं हमेशा इस तरफ रखते हैं लेफ्ट साइड में भी यू कितना है माइनस 18 सेंटीमीटर्स में यस और नो
क्या इसका फोकल लेंथ निकाल सकते हो? वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू. वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी वन बाई फोर माइनस वन बाई एटीन. यस सर नो? कितना वायल सीम भाई, अभी तुम सॉल्व कर पाओगे इनको? ये आंसर आया 9 माइनस 2 बाई 36. देखो सही लिखा है 7 बाई 36 भी यही है ना, 7 बाई 36. तो एफ का वैल्यू कितना हो गया अभी? 36 बाई 7 कितना? 7 चौक 28, 7 पंजे 35 भी, 7 एकम 7 सेंटीमीटर्स भी. फोकल लेंथ किसका प्लस का होता है? फोकल लेंथ किसका प्लस का होता है? कॉन्वेक्स का होता है. तो कौन सा मिरर ये? कॉन्वेक्स भी. कर लोगे? याद है फोकल लेंथ डायग्राम से फोकल लेंथ किसका प्लस का होगा? कॉन्वेक्स का होगा भी. हो जाएगा रेडियस निकालना भी. डबल ऑफ फोकल लेंथ कितना हुआ? सेंटीमीटर. प्लस का भी ओके. नेचर क्या होगा इमेज का? देखो पहला पॉइंट वर्चुअल होगी भाई, सीधी होगी. कहाँ बनेगी? बोलो. बोल रखा है मैंने 4 सेंटीमीटर बनेगी भी इनसाइड द मिरर्स भी. कर लोगे? नेचर लिख सकते हो, उन्हें लिखवा रखा है 1 पॉइंट का आपको. कर लोगे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं. रब कर. व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट When an object is placed at a distance of 60 cm, from convex spherical mirror, the magnification produced is 1/2. मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस इज 1/2. आगे है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो वी गेट मैग्नीफिकेशन ऑफ 1/3. देखो भी क्लास, एक मिरर है. कौन सा मिरर यूज किया हुआ है? कॉन्वेक्स है. कॉन्वेक्स भी ठीक है. ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है? यू कितना भाई? 60 सेंटीमीटर. प्लस का कि माइनस का? माइनस का भी. फोकल लेंथ रखी है क्या? एम का वैल्यू है भाई कितना है? प्लस का कि माइनस का? प्लस का क्यों है? देर रखा कुछ को आपको? अरे इसको मैं एक इमेज बनती है सीधी, इसका भी सीधा आंसर क्या आएगा? प्लस का आएगा अभी. एस टू बाई एच वन. यस और नो? आंसर क्या आएगा? प्लस का. ये क्वेश्चन दे रखा अभी. प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में, ये पूछ रखा आपसे कि आपकी फोकल सॉरी क्या है कि कहाँ पर रखूँ ऑब्जेक्ट को कि मैग्नीफिकेशन 1/3 हो जाए भाई. मिरर तो वही यूज कर रहा है ये, तो उसमें फोकल तो सेम होनी चाहिए उसकी. यस और नो? क्या एम से एम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं भी? बिल्कुल निकल जाएगी. एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू कर सकते हैं. सही है, यू दे रखा है ना, तो वी निकल जाएगा. वी से एफ निकल जाएगा. यस और नो? तो पहले तो वी निकाल लो भाई. एम कितना भाई? 1/2 इंटू यू कितना है? माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. 60 हो गया तो 30 सेंटीमीटर्स भी. पुट कर दो वैल्यू यू की. माइनस 60 माइनस 60 माइनस माइनस प्लस के भी. अरे है कि नहीं है? एफ कितना आएगा? एफ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ यू वी यू प्लस वी. एफ बता दो. हाँ या ना? 1/f = 1/u + 1/l इसमें ले लीजिएगा और उल्टा कर दो. सही है. तो यू वी कितना भाई? यू कितना है? -60. वी कितना है? 30 बाई -30 भी. सही है. यू प्लस वी. एफ इज इक्वल टू
60 फोकल लेंथ आई 60 भी। ओके भाई क्लास, अब क्वेश्चन है कि कहाँ पे रखूँ ऑब्जेक्ट को, क्या मिल जाए, मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाए भी, यही है। तो कितना है आपके बारे में का वैल्यू 1/3, मेरे तो वही है, प्लस का ही रहेगा, यस और नो? तो क्या लिखोगे इसका नया वी, नया यू, अगर यू बदलोगे तो पक्का वी बदलेगा भाई, यस और नो बता दो। यू निकालना ना, कहाँ रखे ऑब्जेक्ट को, वी निकालना है, यू निकालना है, तो यू निकालना तो यू ही को मान लो एक्स, और ये जो जाएगा आपका आंसर से यू को एक्स मान लो भाई, यू को कितना मान लेते हैं एक्स, प्लस का कि माइनस का, बाद में ले लेंगे वैल्यू, जैसे प्लस माइनस छोड़ो उनको, वो कोड़ा क्या कर रहा है, अरे रहने दो इसको, ऐसे रहने दो, एक्स को मान लेते हैं, कुछ तो वैल्यू होगा आपको पता होगा, प्लस माइनस का कुछ आंसर आएगा यहाँ पे, बातें नहीं कि कितना आएगा भाई 1/3 माइनस वी कितना अभी यू एक्स, ठीक है, तो वी का वैल्यू मैं लेना पड़ेगा, देख रहे हैं मेरे तो यू का माइनस का आ गया, प्लस का होना चाहिए इस तरफ, ठीक है, अब ठीक है, वी कितना भाई एक्स बाई थ्री, ठीक है, अब इसका फोकल लेंथ निकालिए, अभी फोकल लेंथ थोड़ी निकालना है, इसका क्या निकालना है, फोकल लेंथ तो सेम अभी दे रखा है इन्होंने, तो फार्मूला क्या बनेगा भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f दे रखा है आपको भी, तो 1/60, 1/v, वी कितना है, तो 3/xxv माइनस 1/xv, सही है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्लास, है 120 होना, अभी एक्स का वैल्यू माइनस नहीं आना है, एक्स वैल्यू है 120 आई है, बस ठीक है, अपने आप आ जाएगा वहां से, यू कितना होगा अभी माइनस 120। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, ओके, आगे लिखिए, ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन बिटवीन सो दैट टू इमेजेस लिखा हुआ, टू वर्चुअल इमेजेस आर कॉन्साइड वे, टू वर्चुअल इमेजेस आर कॉन्साइड, COINCID, इफ द प्लेन मिरर इज एट द डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दो मिरर यूज कर रहे हैं अभी अलग अलग नेचर के भी, पहले क्वेश्चन समझिए भी, क्वेश्चन के पढ़ के एक बार, कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, कुछ ऑब्जेक्ट भी दे रखा है डिस्टेंस, यस आर नो, ये पोल होगा भाई, ये फोकस होगा, ये सेंटर होगा भाई, सही है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया अभी कहाँ पे, 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर भी, तो यहाँ पर रखे हैं कहीं पे, ये माने थे ऑब्जेक्ट अभी आपका, वो बड़ा नहीं बना रहे भाई, 2-3 मिरर यूज करें तो डायग्राम नहीं बनेगा अभी आपका ढंग से, तो ऑब्जेक्ट को मैं ओ मान लेता हूँ, ठीक है, एक बीम गई भी, रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा अभी, ये डाइवर्स होगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, मतलब बनाने जरूरत नहीं पड़ेगी, इमेज यहाँ पर नहीं अभी, पता होना चाहिए आपको, यस सर नो, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे भी,
फोकस से पास कराओगे, फिर यहाँ से पास कराओगे, ये देखो आप बोलो कि पीप स्ट्राइकर से, पीप स्ट्राइकर दी भाई अपने आप इन्होंने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इमेज कहाँ पर नहीं आया, याद होना चाहिए आपको, इमेज कहाँ बनेगी इस पॉइंट पे। ओके, फिर बोला गया है एक प्लेन मिरर रखना अभी आपको एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वे। और देखो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना है 36 सेंटीमीटर। अभी माइनस प्लस यूज नहीं कर रहे कुछ भी, बता रहे हैं आपको, चलो कर लोगे। एक प्लेन मिरर रखना है कितने सेंटीमीटर पे भाई, 24 पे, यहाँ से 24 पे रखा है एक प्लेन मिरर। ओके, दिस इज द प्लेन मिरर, ठीक है कि नहीं है? इस तरह से रखा गया है कि इसकी इमेज और इसकी इमेज कौन साइड कर रहे हैं। कैसे बोल सकता हूँ कि इसकी, देखो एक इसकी खासियत क्या है, जहाँ पे यू होगा वहाँ पे वी होगा। अगर वो उल्टा कर दूँ उसकी ऑब्जेक्ट को इमेज बना दूँ तो मतलब क्या है, आप इस मिरर से आपको ये इमेज दिखाई दी भी इस ऑब्जेक्ट की भी, ये सर नो, इसको मैं आई मान लूँ या आई डैश मान लेते, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे दिखाई दी भी इस मिरर के अंदर, इसका काम खत्म हो गया। इस मिरर के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम कर जाए तो कर लोगे तो उतनी डिस्टेंस पे इसकी भी बनेगी, यस और नो? क्योंकि ये तो अब ये ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ऑब्जेक्ट क्या है इसकी मिरर के लिए, ये ऑब्जेक्ट ये हो गया अभी। अगर ये उतनी डिस्टेंस बने तो क्या कर रही है, कौन साइड ही कर रही होती है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया उसकी इमेज यहाँ पर बननी है, तो उल्टा बोल सकता हूँ इसकी इमेज यहाँ बननी है भाई, एक ही बात है, समझ में आया कि नहीं आया? मिरर को इसके अंदर नहीं रख सकते हम लोग यहाँ पे कौन साइड करवाने के लिए भी। ओके, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इमेज है ये इसका इसका ऑब्जेक्ट बन जाए, जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे ये बनेगी, फिर समझ में आए कि नहीं आए? नहीं आए। यहाँ पे है आपका मिरर भी, कितना डिस्टेंस पे है भाई ऑब्जेक्ट से 24 पे अभी, तो कितना बचा पी तक है 12। और ये बोल रहा है कि इस पॉइंट पे आके कंसाइड कर रहा है, ये बोल रहा है हो रही है, तो ये भी 12 होना चाहिए फिर तो। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया आपको, वी मिल गया, यू मिल गया, आप निकालना भाई दिक्कत क्या रहेगी, करना जितना यू उतना ही क्या बनेगा, वी भी बनेगा, समझ में आई बात है? तो बताओ भी क्लास क्या निकालना है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ करो स्फेरिकल मिरर का निकालना है, तो यू कितना उसका भी -36 सेंटीमीटर, सही लिखा है ये है, वी कितना है प्लस के 12, ये मेन प्रॉब्लम थी, 12 आ गया मेरा भाई, यस आर नो? वो गलत निकाल लो, प्रॉब्लम क्या रहेगी, एफ इज इक्वल टू क्या होगा यू वी बाई यू प्लस वी, सही है, एफ इज इक्वल टू कितना बाई यू -36 इंटू 12 और यू कितना -36 प्लस 12 भाई, कितना आंसर आएगा भाई, इसका बुक में आया 18 आंसर भी, 18 आएगा क्या, 18 प्लस का 18 आया, रेडियस निकालना है, R इज इक्वल टू, समझ में आई बात है?